नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। आप सभी नवचयनित होमपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होमपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होमपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे, लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है, और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। योग के साथ जुड़ने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक विशिष्ट तिथि अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत और यूएनओ के साथ मिलकर के दुनिया का हर वह व्यक्ति जो उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति का पक्षधर है, वह विश्व योग दिवस के साथ जुड़ता है। ये भारत की देन आज वैश्विक मान्यता इस रूप में प्राप्त कर रहा है। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा कि हर एक जगह आयुष काढ़ा उपयोग होने लग गया, हर व्यक्ति उसको स्वीकार करने लग गया। देश हो या दुनिया हो, कहीं भी हर परिवार का हिस्सा बन गया। विपत्ति के समय यह हम सब के सामने एक सहारा बना था, और घर के अंदर ही औषधि प्राप्त होती है। लेकिन समग्रता के साथ इन सबको जोड़ करके कार्य किया जा सके, 2014 के बाद जिस तेजी के साथ इस फील्ड में काम होना प्रारंभ किया है, आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष की अलग अलग विधाओं के लिए, इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सके, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। एक बड़ी उपलब्धि है, एक लंबी छलांग है। हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करने के लिए
चाहे वह आयुर्वेद के कॉलेज हो, योग या वेलनेस सेंटर हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़े हुए कॉलेज हो या फिर होमपैथ के कॉलेज हो। अब याद करिए 2014 के पहले होमपैथ फार्मासिस्ट के लिए सरकारी व्यवस्था में नौकरी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, वो भी बाय चांस, इसको आप मान सकते थे। आयुर्वेद के लिए जो चयनित फार्मासिस्ट थे उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इस सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। आज सरकार प्रोत्साहित कर रही है, हमें आयुष सेंटर बनाने हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं, 5,000 की आबादी में एक आयुर्वेद का, योग और वेलनेस सेंटर के लिए कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश तो इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि हेल्थ टूरिज्म में अगर किसी एक सेक्टर में सबसे अधिक संभावना है तो भारत के अंदर वह आयुष उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता है कि आयुष में संभावना है, दुनिया आज आपकी तरफ आना चाहती है, दुनिया आज आपको तरफ देखना चाहती है, लेकिन उसके अनुरूप वातावरण देना ये हमारा दायित्व है। और आज ये 393 होमपैथ फार्मासिस्ट की नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आयुष विधा को आम जन की संपूर्ण आरोग्यता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एक प्रयास, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है और उस प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आज भी मानसिक रूप से हम लोग इस बात को मानते हैं कि अरे सब जो है आयुर्वेद से या योग और नेचुरोपैथी से या फिर होमपैथ से या यूनानी या सिद्धा से, इसमें हम इसके बारे में बहुत जानकारी, सामान्य नॉलेज के लिए भले ही व्यक्ति जानकारी रखता होगा लेकिन उसमें बहुत, चाहे उसके में कैरियर बनाने के लिए लोग अभी भी संकोच करते हैं। मुझे लगता है यह समय है कि हम कैरियर बनाने के लिए भी और उत्तम आरोग्यता के लिए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करें, इस दिशा में प्रयास करें, लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, लोगों को इसके माध्यम से उत्तम आरोग्यता प्राप्त होने में मदद मिलेगी और ये हमारा दायित्व बनता है कि इसकी शुरुआत अपने नागरिक कर्तव्यों से प्रारंभ होती है। अगर आयुष से जुड़े हुए हरेक चिकित्सक, चाहे वह आयुर्वेद का हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़ा हुआ हो, होमपैथ का हो, वे अपनी संकोच को दूर करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दें, तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़े जो उसको एक पहचान दे सकती हो, इस विधा के प्रति हम अपने स्तर पर भी योगदान दे सकें। और ये केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि इस विधा से जुड़े हुए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिक्स है, उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वह इसमें बैकबोन बनकर के बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आपके द्वारा जुटाए जाने वाला एक एक डाटा जो आप जुटाएंगे, पेशेंट आया किस प्रकार का पेशेंट है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर के अगर एक डायरी मेंटेन करके आप तैयार करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक अच्छा खासा डाटा तैयार हो जाएगा और फिर उस पर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करना, ये धीरे धीरे करके आप देखना, वो एक रिसर्च का बेस आपका तैयार करेगा और वही रिसर्च बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। आप याद करिए जब होमपैथ के बारे में सामान्यतः ट्रेडिशनल मेडिसिन होने के नाते आयुष का इसके पार्ट बनाया गया,
इसका जन्म जर्मनी में होता है, लेकिन इसकी मीठी मीठी गोलियां आज भी एक सामान्य व्यक्ति भी लेने में परहेज नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा हो या बुजुर्ग, किसी भी उम्र का व्यक्ति, वो आराम से इसकी गोलियों को ले लेता है और फिर उसके प्रभाव को भी समझता है, उसके प्रभाव को भी अंगीकार करता है। इसलिए बड़ी भूमिका के साथ आपको कार्य करना है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जहां ड्यूटी दी जाए वहां पे रह करके, पूरे समय रह करके, अतिरिक्त समय में भी अगर हम कार्य कर सकें तो अपने कैरियर को बनाने के लिए जिस विधा का आपने चयन किया है, इस विधा के प्रति आपकी एक कृतज्ञता होगी कि आप इस विधा को मजबूत करना चाहते हैं। अन्यथा अगर आपने नौकरी प्राप्त करने के बाद आप अपनी ड्यूटी पे न गए, वहां पेशेंट के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो फिर यह न केवल एक कृतज्ञता होगी बल्कि अन्य लोगों को हतोत्साहित करने वाला भी होगा, क्योंकि लोगों को फिर होगा कि साहब ये तो एक औपचारिकता है, एक औपचारिकता से जीवन नहीं चल सकता, व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। हम जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमेशा चर्चा होती है कि अधिकार से महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य होने चाहिए। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यवस्था के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम कहां ले जाना चाहते हैं, ये उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्माण करेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, अपने अधिकारों को गौण करके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएगा, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता, भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ये हर भारतवासी का दायित्व तो बनता है जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है। आज का ये कार्यक्रम देश प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन को, आयुष पद्धति को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे यहां पर 393 होमपैथ से जुड़े हुए फार्मासिस्ट को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, इससे पहले आयुर्वेद से जुड़े हुए पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए थे। अन्य विधाओं के प्रति भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए उन लोगों को, जिनकी डिग्री अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर मान्य नहीं होती थी, उसको मान्य करने के लिए भी एक नए कदम को आगे बढ़ाया है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये विधिवत तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उन डिग्रियों को मान्य करें जो किसी मान्यता प्राप्त शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, उसको हम प्रदेश के अंदर भी मान्य करेंगे और उस प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उत्तर प्रदेश शासन भी अपने यहां से आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से या डायरेक्टरेट के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र में लोग हेल्थ एंड वेलनेस के कार्यक्रम को, उस प्रकार के सेंटर का संचालन कर सके और ट्रेंड मैन पावर उन्हें उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी दिशा आज हम सब आपके बीच में आए हैं आपसे बताने के लिए कि इस दिशा में हमें भी अपने प्रयास को, जो जिस क्षेत्र में है उसको, उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभ की है। आज आप देख रहे होंगे कि अमूमन जिस प्रदेश में लोक सेवा आयोग के परिणाम को आने में 1.5 साल 2 साल लगते थे, आज 6 महीने से 9 महीने के अंदर ये परिणाम सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षकों के चयन की पूरी प्रक्रिया को भी उसी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और इसी का परिणाम है कि विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूपी के नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। यानी 6 लाख सरकारी नियुक्ति
इससे पहले कभी नहीं मिली, और पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, माध्यमिक चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हो, ये सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य विगत 6 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक नौजवानों को अकेले प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। 6 लाख नौजवान आखिर कहीं ना कहीं वंचित थे सरकारी नौकरी से, आज वो 6 लाख नौजवान अगर मिल करके व्यवस्था का एक पार्ट बन करके पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, व्यवस्था के साथ जुड़ करके अपना योगदान देना प्रारंभ कर देंगे, तो उत्तर प्रदेश से कौन ताकत है जो उत्तर प्रदेश को फिर बीमारू रखेगी। उत्तर प्रदेश को तो एक समर्थ और समृद्ध राज्य के रूप में अग्रसर होना ही है, उस दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है, हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। एक प्रक्रिया में कहीं भी कोई हस्तक्षेप शासन का नहीं, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया हो पारदर्शी तरीके से हो, और जो उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगा उसकी भी जवाबदेही उस स्तर पर, हर स्तर पर तय सुनिश्चित है, और उसी प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए नए रोजगार सृजन का एक नया गंतव्य बना है। आपने देखा होगा फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, उस समय हमारे पास 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, आज वो बढ़ करके लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। नए क्षेत्र कैसे खुल रहे हैं, कल मैं भदोही में था, भदोही में एक इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया है। आप सोचिए देश के अंदर 17,000 करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें 10,000 करोड़ का, 17 में से 10,000 करोड़ का केवल उत्तर प्रदेश से भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी से हो रहे हैं। कोई सोचता था हैंडमेड कारपेट, उत्तर प्रदेश का कारीगर हस्तशिल्प शिल्पी अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कर रहा है, कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागर्दी से फुर्सत नहीं थी, विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज यह वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है, और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप सोचिए ये 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होगी यूपी के अंदर, 1 करोड़ नौजवानों को, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना पड़ा था, प्रदेश के अंदर व्यापक रिफॉर्म करने पड़े थे, पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, हर स्तर पर कड़े कदम बढ़ाने उठाने के साथ ही हर स्तर पर रिफॉर्म करने के लिए जब सरकार खड़ी हुई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मुझे लगता है कि वह केवल सरकार नहीं करती है, जब समाज का आशीर्वाद जुड़ता है इस पूरे अभियान के साथ तो सफलता प्राप्त होने में फिर देर नहीं लगती है। आज का यह कार्यक्रम उसी सफलता का हिस्सा है जिसमें आप जैसे नवचयनित अभ्यर्थी आज होपित फार्मासिस्ट के रूप में
अपनी अपनी सेवाएं प्रदेश भर के अलग अलग होमपैथ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। आपका अच्छा व्यवहार होगा, मरीज की आधी बीमारी दूर। बाकी जैसे वह दवा लेना शुरू करेगा, बाकी तो जब उसको विश्वास हो गया कि डॉक्टर मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे दवा दे रहा है, तो वह दवा उस पर प्रभाव भी दिखाएगी, और दवा उस पर प्रभाव दिखाएगी तो उसकी दुआ भी आपको लगेगी। इसलिए हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि हमारा व्यवहार मरीज के साथ, मरीज के परिजन के साथ बहुत ही सद्भावपूर्ण और सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक बीमार व्यक्ति झल्लाहट में आ सकता है, आता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, शारीरिक व्याधि भी है तो मानसिक तनाव भी है, पारिवारिक झंझटें भी होंगे और भी तमाम विवाद होंगे। उस बीच वो आपके पास आता है अपनी व्याधि को समाधान करने के लिए, और अगर आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, खराब रहा, आपने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दिया, उसके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार कर दिया, वो कभी आपको माफ नहीं करता। फिर कोई उसकी दुआ आप पे नहीं बल्कि बददुआ देगा। इसलिए बददुआ से बचिए, हमेशा अच्छी दुआ लेने का प्रयास करिए, और वो आपका व्यवहार उस प्रकार का एक माध्यम बन सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी 393 जो होमपैथ के नवचयनित फार्मेसिस्ट हैं, यह होमपैथ चिकित्सालयों के माध्यम से होमपैथ की सुविधा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके चयन के लिए मैं एक बार फिर से आपको, आपके परिवार के सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका चयन उत्तर प्रदेश के लिए, यानी आपका चयन उत्तर प्रदेश के लिए सुखदायी होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।